अस्सलाम वालेकुम। कल मेरी बेटी मुझे एक वीडियो दिखा रही थी जिसमें 5-6 साल के एक अंग्रेज बच्चे से सवाल किया जाता है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो वो जवाब देता है कि वो किलर यानी कातिल बनेगा। इसमें हैरानी की बात नहीं, क्योंकि ये नतीजा है उन जदीद वीडियो गेम्स का जो माफियाज की तरह हमारे माशरों में सरायत करती जा रही हैं। सरमायादार का वाकई कोई मजहब नहीं होता, उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि उसकी बनाई गई प्रोडक्ट के मुआशरे के अफराद पर क्या फिक्री, नफ्सियाती और इखलाकी असरात मुरतब होंगे। उसे सिर्फ अपने मुनाफे से गर्ज होती है। अब इस खबर ने भी पूरी कौम को हिला के रख दिया है, जिसमें एक 18 साल नौजवान ने पबजी वीडियो गेम से मुतासर होकर अपनी ही वालदा और बहनों और भाई को हलाक कर दिया है। दौरान तफ्तीश मुलजम ने बताया कि पबजी गेम में बार बार शिकस्त की वजह से वो जहनी दबाव में था और उसने ये सोचकर अपने भाई बहनों और वालदा पर गोलियां चलाईं कि गेम की तरह ये सब लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे। रोजनामा दुनिया के कालम नगार अमार चौधरी साहब ने इस हवाले से 2 कालम लिखे हैं और इन गेम्स के नई नस्ल पर असरात पर भी सैर हासिल रोशनी डाली है। उन्होंने लिखा है कि इस नशा आवर गेम के हाथों 4 मजीद लोगों की मौत से ये बहस फिर जिंदा हो गई है कि इस गेम को जारी रखने की इजाज़त देनी चाहिए या इसे बंद कर देना चाहिए, और मुमकिन है कि असम्बली के ऐवानों तक भी ये बात जा पहुँचे, और ये भी मुमकिन है कि ये गेम कुछ अरसे के लिए एक बार फिर बंद हो जाए, लेकिन फिर पाकिस्तान में गेम माफिया के एजेंट अदालत से स्टे लेने में कामयाब हो जाए और इस खूनी गेम को एक मरतबा फिर मजीद घर उजाड़ने के लिए खोल दिया जाए। स्मार्ट मोबाइल फोन गेम पबजी दुनिया भर में अपने पंजे गाड़ चुकी है। ये आए रोज आमदनी के रिकॉर्ड भी अपने नाम करती रहती है, मगर ज्यादातर ये गेम खेलने वालों पर होने वाले नफ्सियाती असरात की वजह से खबरों की जीनत बनती है। अब ये सिर्फ एक गेम नहीं रही बल्कि एक ऐसा माफिया बन चुकी है जिसे कंट्रोल करना शायद किसी मुल्क के बस में नहीं रहा। जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स की सनत ने पूरी दुनिया में अपना शिकंजा कसा हुआ है और खेलों से लेकर सियासत तक हर जगह अपनी बुनियादें मजबूत कर रखी हैं, हालांकि माहरीन सेहत ऐसे मशरूबात को सेहत के लिए नुकसानदेह करार देते हैं, लेकिन इस माफिया को पनपने से आज तक कोई नहीं रोक सका, क्योंकि इनकी माली पोजिशन इस कदर मुस्तहकम है कि इनके लिए हर बंद दरवाज़ा खुलता चला जाता है। कुछ इसी तरह का मामला अब पबजी और कुछ दूसरी सोशल मीडिया ऐप्स, साइट्स और गेम्स का भी है। ये हमारे गले का ऐसा कांटा बन चुकी हैं जिसे ना उगलना मुमकिन है और ना निगलना। माजी में जो गेम होती थी वो चंद घंटों में ख़त्म हो जाती थी, यानी खेल की पहली स्टेज ही से मुश्किल तरीन आखिरी स्टेज तक को कोई माहिर खिलाड़ी 2-3 घंटों में अबूर कर लेता था और यूँ खेल का खात्मा हो जाता था। लेकिन अब जो गेम माफिया है और जो अंडरवर्ल्ड से भी ज़्यादा खतरनाक बनता दिखाई देता है, इसने गेम्स को लामहदूद वक्त में खेलने के लिए डिजाइन करना शुरू कर दिया है। पहले नेटवर्क गेमिंग भी आम नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग आपस में खेल सकते थे। ताहम गेमिंग जब से ऑनलाइन हुई है तब से 50-50 बल्कि 100-100 ई प्लेयर्स भी आपस में खेलना शुरू हो गए हैं और ये पूरी दुनिया में फैले होते हैं और आपस में यूं लड़ रहे होते हैं जैसे किसी आलमी जंग में जान की बाजी लगा रहे हों। नशा किसी भी चीज का हो वो इंसान को कक्का नहीं छोड़ता। माजी की निस्बत आज के वालदैन के लिए मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। वो एक तरफ बच्चों की तालीम, उनकी रहाइश, खुराक, सेहत, लिबास, ट्रांसपोर्ट और दीगर मामलाते ज़िंदगी चलाने के लिए दिन रात मजदूरी की चक्की में पिसते रहते हैं, दूसरी तरफ उनकी औलादें हैं जो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। और ज़्यादा दुख की बात यह है कि बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद कत्लो गारत और मार धाड़ वाली फिल्मों, ड्रामों और वीडियो गेम्स को पसंद करती है और इनमें ना सेहत है और ना इल्म और ना ही इखलाकियात। ये हैं वो तबाहकारियां जो आए रोज़ अपना रंग दिखा रही हैं। कई वाकयात में बच्चों ने अपनी जान सिर्फ इसलिए ले ली कि वो पबजी या दीगर किसी गेम में अपना कोई मिशन मुकम्मल करने में नाकाम रहे थे, यानी उनके लिए हकीकी ज़िंदगी वो है जिससे वो एक मशीन के ज़रिए मस्नूई तौर पर मुंसलिक हैं और जिनके साथ उनका रिश्ता हकीकी है उनकी उन्हें परवाह है ना फिक्र। अमार चौधरी साहब ने लिखा है कि कभी वो वक्त था कि खेलों का नाम सुनते ही सेहतमंद जिस्मानी सरगर्मियाँ जहन में आया करती थीं, लेकिन वक्त,
टेक्नोलॉजी और पैसे की दौड़ ने तो खेल का मतलब और इसके हकीकी मानी ही अब तब्दील कर दिए हैं। वैसे तो वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री को ई स्पोर्ट्स का नाम दिया जा रहा है, शायद इसकी वजह यह है कि रवायती स्पोर्ट्स की तरफ लोगों का रुझान कम है और उसे खेलना भी आसान नहीं रहा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मौसम तो जिस्मानी खेलों के लिए मुआफिक हैं, लेकिन यहाँ प्ले ग्राउंड्स हैं और ना ही हुकूमती सरपरस्ती। सवाए क्रिकेट के कोई भी खेल यहाँ परवान नहीं चढ़ता, बल्कि हॉकी और स्क्वाश जैसे खेल जो परवान चढ़े हुए थे वो भी हमारी नालायकियों के बायस ज़मीन पर औंधे मुंह पड़े हुए हैं। फुटबॉल का खेल ऐसा है जिसमें पाकिस्तान इलाकाई तौर पर भी नाम पैदा नहीं कर सका, या शायद अब यहाँ के खिलाड़ियों के गोडे गिट्टे ही जवाब दे गए हैं, या फिर उनको मशक्कत वाले खेल वैसे ही पसंद नहीं रहे। अब वीडियो गेम का दौर आया है तो दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान के बच्चे और नौजवान भी इस फील्ड में अपनी महारत दिखा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में गेमों के आलमी मुकाबले के फाइनल राउंड में पाकिस्तानी नौजवान अरसलान ने अमरीकी हरीफ को शिकस्त देकर पहली पोजीशन हासिल की थी। इससे कबल वो जापान में भी ऐसे ही एक बड़े मुकाबले का फातेह करार पाया था। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में जो अफराद वीडियो गेम्स खेलते हैं उनकी तादाद 3 अरब हो चुकी है। गेम बनाने वाली कंपनियां किस तरह से हमारे टैलेंटेड प्रोग्रामर्स और नौजवानों को अपने हसार में लेती हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वीडियो गेम के ज़रिए पैसा भी बहुत कमाया जा सकता है। वीडियो गेम्स 3 तरह से पैसे कमाती हैं। एक तो जब वीडियो गेम्स डाउनलोड की जाती हैं तो हर गेम के एक मरतबा डाउनलोड होने पर गेम डिवेलपर को $1 मिल जाता है। ये छोटी सी रकम महसूस होती है, लेकिन जब आप बड़ी गेम्स की डाउनलोड की तादाद देखेंगे तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। दुनिया में कई दर्जन गेम्स ऐसी हैं जिनके 1 अरब से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। अब आप 1 अरब को डॉलर के रेट से ज़रब देकर उसके रेवेन्यू का हिसाब लगा लें। ये तो बड़ी गेम्स की बात है। अगर कोई गेम 1 लाख मरतबा भी डाउनलोड होती है तो इस पर $1 लाख मिलते हैं। इसके बाद जब गेमर इस गेम को खेलते हुए आगे बढ़ता है तो गेम में नए करेक्टर्स, नए टूल्स, नए हथियार और नई चीज़ों के हसूल के लिए भी पैसे देना पड़ते हैं, जो कमाई का अलग ज़रिया है। फिर गूगल वगैरह के इश्तहार और स्पॉन्सर्स की कमाई अलग से होती है। पाकिस्तान में भी कई वीडियो गेम डेवलपिंग कंपनियां हैं और वो अच्छा खासा कमा रही हैं। यहाँ की एक कंपनी की एक गेम 10 लाख मरतबा डाउनलोड की जा चुकी है। अगर सिर्फ डाउनलोड्स होने पर मिलने वाली रकम का हिसाब लगाया जाए तो ये 2.25 अरब रुपए बनते हैं। ये गेम इतनी मकबूल हुई है कि इसे एक आलमी कंपनी ने अरबों रुपए में खरीदने की ऑफर कर रखी है, लेकिन कंपनी इसे फरोख्त करने पर आमादा नहीं। ऐसी सैकड़ों गेम्स ये कंपनी बना चुकी है। इससे अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ऐसी कंपनियां किस कदर मुनाफे में हैं। पाकिस्तान में भी ई स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए मुकाबले कराए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में हाल ही में गेम्स का एक मुकाबला मुनक्कद हुआ जिसमें मुल्क भर से गेमर्स ने शिरकत की है। अमार चौधरी साहब ने ये सवाल उठाया है कि ये रेवेन्यू, ये डॉलर्स और ये ट्रेंड अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रुझान नई नस्ल की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए ठीक है? जो गेमर है या उससे जो रेवेन्यू कमा रहे हैं वो इसे कभी बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि पैसा आता किसे चुभता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखना या गेम खेलना सेहत के लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना सिगरेट नोशी या कोई और बुरी आदत। चीनी हुकूमत ने बच्चों को इसके मनफी असरात से बचाने के लिए कई तरीके अपना रखे हैं, जिनमें गेम खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी शामिल है। नई पॉलिसी के तहत बच्चे हफ्ते में 2 या 3 रोज 3 घंटे रोजाना से ज्यादा गेम नहीं खेल सकते। ये मसला दुनिया भर के ममालिक को दरपेश है। मुआशरे में ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और गेमिंग से आंखें वक्त से पहले काफ़ी कमज़ोर हो रही हैं और दीगर नफ्सियाती अवारिस भी बढ़ रहे हैं। अगर बड़े सोशल मीडिया से चिपके रहेंगे और बच्चे गेमों में सर देकर बैठे रहेंगे तो ज़िंदगी का क्या खाक मज़ा रह जाएगा? इस गेम इंडस्ट्री को ई स्पोर्ट्स का नाम दें या कुछ और, ये बात जहन में रखें कि बच्चों और नौजवानों की रहनुमाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि पैसा और डॉलर कमाना। ज़िंदगी के ऐसे अहम मामलात में तवाज़ुन रखेंगे तो ही पैसा भी इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना यही पैसा और गेमिंग इंडस्ट्री का सुनामी एक दिन वबाल बन जाएगा। इकबाल के इन अशआर के साथ इजाज़त चाहूँगा, वो कौम के फैज़ाने समावी से हो महरूम, हद उसके कमालात की है बरको बुखारात,
है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात।